फाइनली आफ्टर 21 और 20 डेज 20 एक्सीजन के बाद मैं वापस आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। यस, आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे डीएम्स आए, यूट्यूब पे मैसेजेस आए। कौन रीज़न था, बहुत खास रीज़न था, वो क्या था वो आज हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और हाँ जी, तो वजह ये है कि इतने से हमारे ब्लॉग्स नहीं आए क्योंकि हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि आप सब पूछ रहे थे, आप सब में से कई लोगों ने ये अंदाज़ा भी लगा लिया था चीज़ें हैं। तो यस, आज हम इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि यस, दीपिका इज 3 मंथ्स प्रेग्नेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही रीज़न था कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है और थोड़ा सा इंसान घबराता भी है, एक लाइफ का नया फेज है, थोड़ा इंसान घबराता भी है, डरता भी है। हमने कोशिश की थी, हमने सोचा भी था कि हम इसको पहले बता दें, बट कई लोग सारे जो होते हैं, पुराने बुजुर्ग लोग होते हैं, जो अपने से बड़े होते हैं, चाहे वो अम्मी हो, चाहे वो सब लोग हो, इवन डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि नहीं, 3 मंथ्स तक आपको ये चीज़ नहीं रिवील करनी है, ये हमारा क्या बोलेंगे उसको, ये हमारा ऐसा कहना है। और आप में से कई लोग इस चीज़ को समझ गए थे, क्योंकि जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा एक कनेक्शन है आप सबके साथ, चीज़ें समझ जाते हो, और आप बार बार ब्लॉग्स में हमसे पूछ रहे थे कि ऐसा है क्या। तो हम नहीं बता सकते थे बिकॉज ऑफ सम रीज़न, और क्योंकि आप में से कई लोग इस चीज़ को समझ भी गए थे। कई लोग ये बोल रहे थे कि नहीं, आई थिंक वो 3 महीने के बाद ही उस चीज़ को अनाउंस करेंगे, जो कि होता है। तो यस, हम लोग इसी चीज़ के लिए रुके हुए थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक है, सारे टेस्ट अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसलिए आज हम आपके सामने हैं। क्योंकि और तुम बोलो, समझ नहीं आ रहा एक्चुअली हम क्या बोले, किस तरीके से बोले। ऑब्वियसली लाइफ का एक बहुत बहुत स्पेशल, बहुत ही ब्यूटीफुल ये फेज है जो मन में यू नो शुरुआत में, जैसे कि शोर में कहा, सब लोग कह रहे थे, तो थोड़ा डर, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, डर भी था, बहुत कुछ, सारे मिक्स्ड इमोशंस। एंड जैसे कि शोर ने कहा, हम आपसे, हम आए और आपको झूठ बोले या आपसे छुपाएं, वो हमें सही नहीं लग रहा था, इसलिए फिर हमारे वो थे रीजंस, क्योंकि सभी मना कर रहे थे, जो भी मिल रहा था कि नहीं रुक जाओ। और फिर आई थिंक आप में से कुछ लोग इस चीज़ को समझेंगे कि जब ऐसी चीज़ होती तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक वो डर आ जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे साथ एक रीज़न और भी था, क्योंकि लास्ट ईयर, ये सब आप लोग को पता नहीं है क्योंकि हमने ये आपसे डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जो सीधे, अगर जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं सोशल मीडिया पर चीज़ें, अगर उस चीज़ को लेकर कभी कुछ गलत बोलते हैं तो सीधे दिल पे चीज़ें लगती हैं, तो इसलिए हमने वो चीज़ें आपसे शेयर नहीं की थी। लास्ट 2022 फेब एंड या मार्च के आसपास एक मिसकैरेज हुआ था, यू नो, तो दर्द थोड़ा और ज़्यादा था उस टाइम पे। आई थिंक 6th वीक, छः सेवन वीक की प्रेगनेंसी थी दीपिका की, और उस टाइम पे मिसकैरेज हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें थी उसके बाद, थोड़ा सा डर थोड़ा ज्यादा था, ऑब्वियसली आप लोग समझेंगे, हम अकेले नहीं हैं, कई लोग इस गुजरते हैं, थोड़ी हेल्थ भी डिटेरियरेट हुई थी इसकी, जैसे जब आप बातें क्या करते थे, क्या हो गया दीपिका को, ऐसे मोटी हो रही है, ये हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर इंसान के रीज़न होते हैं। बट ठीक है, मुझे लगता है कि जब सही वक्त हो तब इंसान को उसके बारे में बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। तो आज हम ये आपको बता रहे हैं कि ऐसा भी हुआ था, तो शायद इस वजह से हम थोड़ा सा और भी डरे हुए थे। बट यस, अभी, और इनफैक्ट जब मुझे याद है 25th of November मैं चांदनी में शूट कर रहा था, जब दीपिका का फ़ोन आया था, व्हाट्सअप आया था कि शुएब देखो मैं फोटो खींच रही हूँ देखो, एंड देन फिर जब मैंने खोल के देखा तो ऐसे लाइन थे, एंड आई वाज लाइक ठीक है दीपिका ओके, मैं ऐसे देखा दीपिका ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिल पे मत लगाना, क्योंकि ऑलरेडी एक बार चीज़ें हो चुकी थी ना, ज़्यादा दिल पे मत लगाना, जो होगा अल्लाह की मर्जी है, ठीक है, ऐसा ऐसा चीज़ें करके, मतलब हम दोनों अपने अपने एंड से ऑब्वियसली खुशी तो बहुत होती है, हर किसी को होती है, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे ना उस चीज़ को सेलिब्रेट करने में भी या एक खुश होने में भी, क्योंकि पिछली बार जो हुआ वो होके ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, तो वो, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि शायद हाँ इस बार है, हाँ शायद इस बार है। तो मैं जैसे ही वापस आई, मैंने टेस्ट किया एंड फिर मैंने श्रेयस को भेजा, लेकिन उसके बाद हम बहुत बहुत केयरफुल थे हर चीज़ में। एंड शुरुआत में इनफैक्ट यहाँ तक मैंने उसी दिन उसको बोला भी था कि अम्मी को मत बता रहा है अभी, क्योंकि लास्ट टाइम ऑब्वियसली बात है, हम लोग कभी कहीं ना कहीं थोड़े से बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके समझ जाते हैं, समझा लेते हैं, लेकिन अम्मी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके इमोशनल हो गई थी, ये भी बहुत इमोशनल थी, इसको भी बहुत वो चीज़ हिट की थी, एंड सबको जब बताया था
तो उसको मैंने बोला था, हमने कहा बेटा नहीं अभी अम्मी को नहीं बताना है, लेकिन जब 15-20 डेज के बाद जब डॉक्टर ने, क्योंकि इसके साथ थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, चीज़ें होती हैं, और वो तो, भी एक रीजन है कि 3 महीने तक और ज्यादा, और ज्यादा आप सबको पता है the first 3 months are the most delicate phase of the pregnancy, of every pregnancy, हर बहुत ज़्यादा precautions होते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि शोएब ने कहा कि मेरे साथ थोड़ा सा एक complication ज़्यादा है, तो इसीलिए हम और ज़्यादा careful थे।